गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस। चैनल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। और कोई भी कंपनी के ऊपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द रिसर्च करके वीडियो बना सकूं। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उनमें से कई सारे वीडियोज़ मेरे सब्सक्राइबर डिमांड पर ही मैंने बनाए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज भी क्लासिफिकेशन किया है और जो भी शेयर के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी मैपिंग एज पर कैटेगरी कर देता हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर को शेयर ढूंढने में भी आसानी होती है। अब मेरे चैनल की यूएसपी ये है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूँ। इससे आपका जो प्रॉफिट है वो 80% होता है और आपका जो लॉस है वो सिर्फ 10-20% होता है, यानी कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहते हैं। आप मेरे चैनल की दूसरी बड़ी यूएसपी ये है कि मैं हर सैटरडेज एंड संडेज को मंथली प्रीव्यूज़ भी बनाता हूँ, यानी कि जो भी मैंने पिछले महीने शेयर बनाए हैं या प्रीव्यूज़ बनाए हैं उसका फिर से आपको प्रीव्यू अपडेट करता हूँ, शेयर का हो या पूरे प्रीव्यू का। जैसे मैंने गेल आयोल केमिकल ITC लास्ट मंथ 14 मार्च को इसका प्रीव्यू बनाया था, अब एक महीने के बाद 17 अप्रैल 2021 को फिर से इसको आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं जो रेगुलरली इन शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं उनको ये चीज़ एनालिसिस में हेल्प होता है। सेकंड, आपको फ़ायदा होता है जो मैंने नीचे लिखा है, वॉच फुल वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, पहले वीडियो से बोलता रहो, अगर आप सपोर्ट पे बाय करोगे रेजिस्टेंस पे सेल करोगे आपका प्रॉफिट का चांसेस हमेशा 80% होगा, क्योंकि जो प्रीव्यूज़ मैं बना रहा हूँ आप उस पर भी देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि हाँ भाई 80% शेयर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही घूमते रहते हैं, सिर्फ 10% शेयर ऐसे हैं जो सपोर्ट तोड़ के नीचे आएगा या रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर आएगा। आप पूरी वीडियो देखा कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करेंगे हम तीन शेयर के बारे में जिसका नाम है गेल, आयोल केमिकल और ITC। अब गेल कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कौन से सेक्टर से, ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे ज़रूर देखिए। गेल का मैंने वीडियो बनाया था 14 मार्च 2021 पे, तब इसकी क्लोजिंग थी 146.85 रुपीज़। तब इसका जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल दिया था वो था 125, सपोर्ट 2 था 133, सपोर्ट 3 था 145, रेजिस्टेंस 1 था 150, रेजिस्टेंस 2 था 158 और रेजिस्टेंस 3 मैंने ब्लैंक छोड़ा था। अब आज के डेट पे 17 अप्रैल 2021 इसकी जो क्लोजिंग हुई वो हुई 139.60। सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे मैं सेम दे रहा हूँ 125, सपोर्ट 2 133, सपोर्ट 3 142, रेजिस्टेंस 1 अगेन 142। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ है तो ज़रा ध्यान रखना, रेजिस्टेंस 2 150 और रेजिस्टेंस 3 है 158। अब बात करते हैं हाई और लो की। पिछले एक महीने का हाई कितना है इसका, 147.80, यानी कि जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था वो वहीं तक गया था, लेकिन वो लोएस्ट कितना है आप ज़रा देखिए 127.45, यानी कि ये ऑलमोस्ट पहला सपोर्ट को टच कर रहा था। जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट पे बाई कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, अगर सोचो आपने 127 छोड़ दो 130 पे भी बाई किया रहता। जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि सपोर्ट अगर मैंने 125 दिया तो वो 125 ही होगा, वो 126, 127 या 124 भी हो सकता है। ओके, तो अगर आपने सपोर्ट 130 पे भी अगर बाई किया रहता, चलो वो भी छोड़ दो, सपोर्ट 2 133 पे बाई किया रहता, आज कहाँ पे 139, यानी कि आपके पास चांस है कि आप इसको प्रॉफिट बुकिंग करा सकते थे। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है। अब आप देखिए दूसरा चीज़, इस तीनों के तीनों शेयर्स पे आप एक चीज़ नोट कीजिए, दोनों तीनों के तीनों उसी रेंज पे घूम रहे हैं, 146 से आए 139 पे, 613 वाला शेयर 578 पे, 205 वाला शेयर 207 पे। अब आप बताओ कौन सा शेयर है जो रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया या सपोर्ट तोड़ के नीचे आया, कोई नहीं। अब बात करते हैं आयोल केमिकल्स। आयोल केमिकल्स कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, 52 वीक लो 52 वीक हाई, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पर ज़रूर देखिए। आयोल केमिकल्स का मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 14 मार्च 2021, तब इसकी क्लोजिंग थी 613.10 रुपीज़। तब मैंने आपको इसका सपोर्ट लेवल दिया था 500, सपोर्ट 2 था 550, सपोर्ट 3 था 600, रेजिस्टेंस 1 650, रेजिस्टेंस 2 700, रेजिस्टेंस 3 750। आज के डेट पे 17 मार्च 2021 पे इसकी जो क्लोजिंग है 578.30 और सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम लेवल पे हैं, सपोर्ट 1 500, सपोर्ट 2 550, सपोर्ट 3 600, रेजिस्टेंस 1 650, रेजिस्टेंस 2 700, रेजिस्टेंस 3 750। अब बात करते हैं इसमें हाईएस्ट कितना गया, ये 639.90 और लोएस्ट कितना है 548.10, यानी कि ये सपोर्ट 2 तक आया था 550। अगर आप सोचो 550 पे आपने बाई किया रहता, 600 पे बेच के निकल भी गए रहते तो आपने पहला बुकिंग किया या नहीं किया, जो मैं आपको बोलता हूँ सपोर्ट पे बाई करो रेजिस्टेंस पे सेल करो।
और ये चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो लोगों का हमेशा मेरे को पूछते हैं कि सपोर्ट से शेयर का प्राइस नीचे आए तो कैसे डिसाइड करें कि 600 पे आपको बाई करना है या नहीं। अब देखो, जब ये 600 से नीचे गिर रहा था, ये 500 550 तक गया, 550 से नीचे भी ऑलमोस्ट 548 गया, ऑलमोस्ट 5 सपोर्ट 2 टच किया, तो आपको वहाँ डिसाइड करना है। मैं अपने चैनल के थ्रू किसी को भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता, बट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ, और आपको वहाँ पे एनालिसिस करना ही है कि भाई ये सपोर्ट लेवल पे और गिर रहा है या ये सपोर्ट लेवल पे बाई करने का राइट टाइम है, तब आपको बेनिफिट डेफिनेटली होगा। अब बात करते हैं तीसरे शेयर के बारे में, ITC। ITC कंपनी क्या करती है सबको पता है, फिर भी मैंने जो वीडियो बनाया है आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे देख सकते हैं, ये क्या प्रोडक्ट्स में डील करती है, इसका 52 वीक लो 52 वीक हाई, आगे इसके क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं ITC का, जब मैंने वीडियो बनाया था 14 मार्च 2021, तब इसकी क्लोजिंग थी 205 रुपीज़ 20 पैसे, तब मैंने आपको इसका सपोर्ट दिया था 190, सपोर्ट 2 था 200, सपोर्ट 3 था 205, रेजिस्टेंस 1 था 215, रेजिस्टेंस 2 था 230 और रेजिस्टेंस 3 था 240। अब अगर 17 मार्च 2021 पे आप इसका क्लोजिंग देखेंगे तो ये है 207 रुपीज़ 95 पैसे, सपोर्ट 1 है 200 रुपीज़, सपोर्ट 2 है 205, सपोर्ट 3 है 210, रेजिस्टेंस 1 है 210, रेजिस्टेंस 2 है 215 और रेजिस्टेंस 3 है 230। अब अगर आप देखेंगे इसका इस एक महीने का हाईएस्ट कितना है, 228.10, यानी कि ये रेजिस्टेंस 2 के ऑलमोस्ट पास गया था, वहां से इसने बैक किया, लोएस्ट कितना है 201, सपोर्ट 2। अगर आज के डेट पे आपको आपने ये सपोर्ट 2 के पास खरीदा रहता, या आप सोच लो 205 पे भी आप बाई करते, तो आपको वेट करना है कि ये 215 जा रहा है या नहीं जा रहा है, बट अभी के टाइम पे जैसे आप नोट कर लेना 210 का मैंने सपोर्ट दिया है, 210 रेजिस्टेंस भी है, तो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 200 के DMA के ऊपर ही है। आई ऑयल केमिकल 200 डे EMA के नीचे है, गेल 200 डे EMA के ऊपर है, तो उसमें ये अच्छी चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर, उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को आगे फॉरवर्ड कीजिए आपके फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।